सरायकेला में भी लागू हुआ आदर्श आचार संहिता, उपायुक्त और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 3 लोकसभा सीटों के लिए चौथे और छठे चरण में डाले जाएंगे वोट। 869,919 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग, बोले उपायुक्त, एसपी जिला प्रशासन का करें सहयोग। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कुल 7 चरणों में करीब 97 करोड़ मतदाता 543 सांसदों का चुनाव करेंगे। इसके साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इधर शनिवार को सरायकेला खरसावां उपायुक्त सह निर्वाचन अधिकारी रविशंकर शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में खूंटी, रांची और सिंहभूम संसदीय क्षेत्र पड़ते हैं। चौथे और छठे चरण में यहाँ चुनाव होने हैं। 13 मई को सिंहभूम और खूंटी संसदीय सीट के लिए मतदान होंगे। इसकी अधिसूचना 18 अप्रैल से प्रभावी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल होगी। 26 अप्रैल को स्क्रूटनी और 29 अप्रैल को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। जिले में सरायकेला विधानसभा सीट सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि खरसावां विधानसभा खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि रांची संसदीय सीट के अंतर्गत ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहां 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 19 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 6 मई होगी। वहीं 7 मई को स्क्रूटनी और 9 मई को नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी। ज़िले में कुल 869,919 मतदाता हैं। इसमें 435,965 पुरुष मतदाता, जबकि 433,941 महिला मतदाता हैं। अन्य मतदाताओं की संख्या 13 हैं। इसमें ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 284,167 मतदाता हैं। इसमें 143,563 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 140,602 महिला मतदाता और अन्य मतदाताओं की संख्या 2 है। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 363,539 है। इनमें 181,874 पुरुष मतदाता, जबकि 181,656 महिला मतदाता हैं। वहीं अन्य मतदाता की संख्या 9 है। इसी तरह खरसावां विधानसभा में कुल 222,213 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 110,528 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 111,683 है। वहीं अन्य मतदाता की संख्या 2 है। रांची संसदीय क्षेत्र के लिए निर्वाचन पदाधिकारी उपयुक्त रांची राहुल सिंह होंगे, जबकि सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी शुभ्रा रानी होंगी। इसी तरह सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त चाईबासा कुलदीप चौधरी होंगे। सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति सहायक निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। वहीं खूंटी उपायुक्त लोकेश मिश्रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। इनके साथ सरायकेला अपर उपायुक्त संजय कुमार दास सहायक निर्वाची पदाधिकारी होंगे। उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने बताया कि जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए कुल 1,053 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ईचागढ़ के लिए 340 मतदान केंद्र, जबकि सरायकेला के लिए 431 और खरसावां के लिए 282 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने ज़िले के लोगों से आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही प्रत्याशियों को चुनाव आचार संहिता के गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि एक प्रत्याशी को 95 लाख खर्च करने की अनुमति होगी। वहीं एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि जिला पुलिस स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए तैयार है। जितने भी फोर्स की ज़रूरत होगी हमारे पास तैयार है। उन्होंने ज़िले के लोगों से पुलिस प्रशासन को सहयोग की अपील की है। तो बोले पीछे उन्होंने सबको ना बोलेगा, पीछे उन्होंने खाली ये कहा आते को बोल रहे हैं मेरे प्रभाव से। ठीक है सर, बताए। हाँ सर, बताएगा सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी है, क्या क्या किया जाएगा? लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जितने बूथ हैं, जितने बिल्डिंग्स हैं, सबकी समीक्षा, सिक्योरिटी समीक्षा कर ली गई है। और क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ हैं उनका कटेगराइजेशन कर लिया गया है, समीक्षा कर ली गई है। इसी आधार पे हम लोगों ने फोर्स का आकलन भी कर लिया है और मुख्यालय से मांगा भी है कि कितने फोर्स की हमको ज़रूरत है। इस चुनाव को निष्पक्ष और स्वच्छ बनाए रखने के लिए जितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उतना फोर्स हम लोग सभी बूथ पर लगाएंगे। सर कितनी कंप्लेंट
पर्याप्त मात्रा में कंपनियां मिलेंगी जितना हम लोगों ने डिमांड किया है। सरायकेला खरसावां जिला क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों की भांति आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। इस क्रम में सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन संबंधी कार्रवाई हुई है। ये 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रांची, सिंहभूम तथा खूंटी हैं और इसमें सिंहभूम तथा खूंटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्रमशः सरायकेला एवं खरसावां विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत चतुर्थ चरण में निर्वाचन संबंधी कार्रवाइयां होंगी। उप के क्रम में जो गजट नोटिफिकेशन है वो 18 अप्रैल 2024 को और मतदान 13 मई 2024 को संपन्न होगा। इसी प्रकार से रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ईशागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 6 चरण में निर्वाचन की कार्रवाई होगी जिसके क्रम में गैजेट नोटिफिकेशन 29 अप्रैल 2024 को और मतदान 25 मई 2024 को संपन्न होगा। इस अवसर पर मैं सरायकेला खरसावां जिले के सभी मतदाताओं से यह आग्रह करना चाहूँगा कि अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। मीडिया के सभी मित्रों से भी यह अनुरोध होगा कि आप सभी सूचनाएं जो निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारी कर्मी हैं उनके साथ साझा करें ताकि एक इन्फॉर्म्ड डेमोक्रेसी की परिकल्पना को साकार करने में हमें सहायता मिले। साथ ही साथ सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ से संबंधित जो समस्या है उसके संबंध में भी आपसे अनुरोध होगा कि आप कृपया जिले के मीडिया कोषांग और एमसीएमसी कोषांग के माध्यम से पेड न्यूज़ इत्यादि समस्याओं के समाधान निराकरण में भी जिला निर्वाचन कार्यालय को सहयोग करें। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के लिए सरायकेला से प्रमोद सिंह की रिपोर्ट।